ये है अब्दुल हफीज कारदार, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 1958 तक इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली। इसके बाद वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी। इसके अलावा उनकी पहली बीवी ब्रिटिश थी, वो स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे। 2019 में गूगल ने कारदार की याद में उनके जन्म दिवस के दिन एक गूगल डूडल भी रिलीज किया। आपको लगेगा कितनी शानदार जिंदगी जीने वाले स्पोर्ट्समैन एक खुले विचारों वाले, खेल भावना से भरे हुए जिंदा दिल इंसान होंगे। मगर सन 1987 में जब पाकिस्तान ने बेंगलोर में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को हरा दिया, तो कारदार जो एक कमेंटेटर की हैसियत से टीवी पर लाइव थे, जोश में अपने आप को रोक न पाए और वो उत्तेजना में चिल्ला उठे, हमने हिंदुओं को उनके ही घर में हरा दिया है, हमने हिंदुओं पर फतेह हासिल कर ली है। जीत के जुनून में उनकी कट्टर सोच सबके सामने खुलकर सामने आ गई। कारदार, जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट की नींव रखी, ये मानते थे कि पिछड़े हुए भारत में सभ्यता मुस्लिम सुल्तान ही लेकर आए थे। इस्लाम की बुनियाद पर बना हुआ मुल्क पाकिस्तान, जहां क्रिकेट जुनून की हद तक लोकप्रिय है, क्या होता है जब पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में इस्लाम और क्रिकेट का कॉकटेल बन जाता है। पिछले 7 दशकों में पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल में धर्म के तड़के से कई किस्से निकलकर सामने आते हैं, जिनसे यह पता चल जाता है कि लोग भारत पाकिस्तान के क्रिकेट के रिश्तों को कितना ही अमन की आशा का जामा पहना लें, पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों के मन में भी हिंदू फोबिया की कोई कमी नहीं और भारत के साथ क्रिकेट के खेल को भी वो धर्म के लेंस से ही देखते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की सियासत के चमकते सितारे और क्रिकेट की दुनिया के लीजेंड इमरान खान। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे जी पार्थसारथी ने कहा था कि जब इमरान खान से यह पूछा गया कि वो भारत के खिलाफ इतनी तूफानी गेंदबाजी कैसे कर लेते हैं, तो इमरान खान का जवाब था कि वो भारत के साथ होने वाले मैचेस को एक जिहाद के रूप में ही देखते हैं, इसलिए अपनी पूरी जान लगाकर भारत के खिलाफ खेलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ही शायद दुनिया का ऐसा इकलौता देश होगा जिसके खिलाड़ियों ने क्रिकेट के खेल को ही धर्म के प्रचार प्रसार और धर्मांतरण का जरिया बना लिया था। और पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज जावेद मियादाद के हिसाब से हिंदू एक कायर कौम है जो चाकू छुरी देखकर डर जाती है, जिन पे मुस्लिमों ने सैकड़ों साल राज किया है। यही नहीं, जावेद मियादाद एटम बम मारकर पूरे भारत को साफ करने की भी मांग कर चुके हैं। वहीं शाहिद अफरीदी ने अपने घर का टीवी गुस्से में सिर्फ इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि उनकी बेटी टीवी सीरियल में दिखाए जा रहे आरती की नकल कर रही थी, जो कि हिंदुओं की पूजा पाठ का एक अभिन्न हिस्सा है। उसी तरह से कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक हिंदू दानिश कानेरिया के साथ खेलने और यहां तक कि उनके साथ खाना खाने पर भी बड़ी आपत्ति थी। आखिर पाकिस्तानी क्रिकेट में कट्टरवाद की इतनी कड़वाहट कैसे घुल गई? कुछ तो पाकिस्तान की नींव में ही सांप्रदायिकता और हिंदू कौम से खुद को बेहतर समझने की सोच थी, जिसके कारण अब्दुल हाफिज कारदार जैसे खिलाड़ी जो पाकिस्तान में क्रिकेट को नए सिरे से आगे लेकर गए, ऐसा सोचते थे कि भारत में सभ्यता की शुरुआत इस्लामी हुकूमत से हुई और काफी हद तक बंटवारे की कड़वाहट भी इसके लिए जिम्मेदार रही है। मगर हकीकत यह है कि एक बड़े लंबे समय तक पाकिस्तानी क्रिकेटर पार्टियों, मौज मस्ती और नशीले पदार्थों के सेवन में काफी आगे रहे। शराब का सेवन और युवतियों के साथ मौज मस्ती के अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर हशीश और गांजा जैसे प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के भी गंभीर आरोप लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि 1993 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान बीच पर बैठकर गांजा पीने के आरोप में 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। मगर कुछ एक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रिटायरमेंट के बाद धर्म की ओर काफी अधिक झुकाव हो गया। ऐसे सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर थे करिश्माई तेज गेंदबाज फजल महमूद। फजल ने पाकिस्तानी टीम की कप्तानी भी संभाली थी। रिटायर होने के बाद 1980 के दशक में फजल महमूद विवादास्पद और कट्टरपंथी तबलीगी जमात के सदस्य बन गए, मगर फजल ने मजहब का मामला अपने निजी जीवन तक ही सीमित रखा। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में तबलीगी जमात की असली दखलंदाजी शुरू हुई 1990 के दशक के आखिरी सालों में। पाकिस्तान के भूतपूर्व कप्तान और 1960 के दशक के विवादास्पद बल्लेबाज सईद अहमद ने भी रिटायरमेंट के बाद तबलीगी जमात की सदस्यता ग्रहण कर ली। अपने क्रिकेटिंग कैरियर के दौरान वो पार्टीबाजी के लिए जाने जाते थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तेज घास वाली पिच देखकर सईद अहमद ने पीठ में चोट का बहाना बनाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया।
मगर उसी शाम वो शहर के एक डिस्को में ऑस्ट्रेलियाई युवतियों के साथ थिरकते हुए नजर आए। इस मामले पर काफी हंगामा हुआ था और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मामले की जांच के बाद उन्हें पाकिस्तान वापस बुला लिया। इसके बाद सईद अहमद कभी भी पाकिस्तान की टीम में अपनी वापसी नहीं कर पाए। तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद सईद अहमद 1998 में शारजाह में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के इर्द गिर्द देखे गए। बाद में सईद अहमद ने यह दावा किया कि वो पहले ऐसे शख्स थे जिसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनके ड्रेसिंग रूम में इस्लाम के बारे में उपदेश दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी टीम में अनुशासनहीनता अपने चरम पर थी। खिलाड़ी अक्सर ही खेल से ज्यादा पार्टियों और मौज मस्ती को अहमियत दिया करते थे और फिर मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लगने लगे। ऐसे माहौल में भूतपूर्व खिलाड़ी सईद अहमद, जो खुद ही तबलीगी जमात के सदस्य बन चुके थे, पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपने पंथ यानी तबलीगी जमात की तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे। उनकी कोशिशों का यह नतीजा हुआ कि सन 2001 के आते आते पाकिस्तानी खिलाड़ी मुश्ताक अहमद, सकलेन मुश्ताक और सईद अनवर भी तबलीगी जमात से जुड़ गए और उनके जीने के तौर तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो अब तबलीग के कायदे कानून के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगे और कप्तानी के तनाव से परेशान इंजमाम उल हक को भी नैतिक संबल यानी मोरल स्ट्रेंथ के रूप में मजहब का ही रास्ता नजर आया। मुश्ताक अहमद की सलाह पर इंजमाम उल हक ने भी तबलीगी जमात से नाता जोड़ लिया। फिर तो पाकिस्तानी टीम का नक्शा ही बदल गया। पाकिस्तानी टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी तबलीगी जमात से जुड़ गए। पाकिस्तानी टीम ने अपने मजहब को भी खेल और ड्रेसिंग रूम का अटूट हिस्सा बना लिया, जैसे प्रैक्टिस के दौरान नमाज अदा करना, पार्टियों से दूर रहना, दाढ़ी बढ़ा लेना। यहाँ तक कि तबलीगी जमात के 2-3 मौलवी पाकिस्तानी टीम के साथ दौरों पर भी साथ जाने लगे। मगर कुछ खिलाड़ी जैसे शोएब अख्तर, यूनुस खान और अब्दुल रज्जाक टीम में इस बदलाव से खुश नहीं थे। शोएब तो खुलेआम तबलीग के दिए निर्देशों का उल्लंघन किया करते थे। पाकिस्तानी टीम के एकमात्र क्रिश्चियन खिलाड़ी यूसुफ यूहाना ने भी तबलीगी जमात से प्रभावित होकर 2005 में इस्लाम धर्म को अपना लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ कर लिया, जिसके कारण उन्हें अपने माँ बाप की भी काफी नाराजगी झेलनी पड़ी। मगर मोहम्मद यूसुफ ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम धर्म अपना कर न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी में काफी सकारात्मक बदलाव हुए बल्कि उनकी बैटिंग भी काफी सुधर गई। मगर पाकिस्तानी टीम में बना हुआ ये मजहबी माहौल बहुत दिन तक नहीं चल पाया। वजह थी पाकिस्तान का 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन। शोएब अख्तर, जो 2007 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन को देखकर यह आरोप लगा दिया कि बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाने से टीम के खिलाड़ियों का ध्यान भटक चुका है और उनकी फाइटिंग स्पिरिट ही खत्म हो गई है। टीम के कोच बॉब वुलमर, जिनका रहस्यमयी परिस्थितियों में 2007 वर्ल्ड कप के दौरान ही निधन हो गया, उन्होंने टीम के मैनेजर परवेज मीर से बार बार ये शिकायत की थी कि वो टीम के साथ बैठकर ढंग से कोई भी प्लानिंग या स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाते, क्योंकि किसी न किसी खिलाड़ी को कभी नमाज पढ़ने तो कभी तबलीगी जमात की विचारधारा का उपदेश देने जाना होता था। टीम के मैनेजर परवेज मीर ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह डाला कि टीम के खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करने की बजाय वेस्ट इंडियन दर्शकों के पास जाकर उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिशों में ही लगे रहते थे। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने धर्म के नाम पर इतना अधिक छीछा लेदर होते देखकर खिलाड़ियों को यह सख्त निर्देश दिया कि वो धर्म को पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हमेशा न जोड़ें और अपने धार्मिक विचार और धार्मिक गतिविधियां निजी स्तर तक ही सीमित रखें। मगर आज भी पाकिस्तानी क्रिकेट और मजहबी मामलों के बीच की नजदीकियां मिट नहीं पाई हैं, बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान का समाज और पाकिस्तान की हुकूमत एक तरह से दिशाहीन अंधेरे भविष्य की तरफ बढ़े जा रहे हैं, ऐसी वैचारिक बदहाली का नमूना हमें अक्सर ही पाकिस्तानी क्रिकेटरों से देखने के लिए मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने धर्म के नाम पर काफी विवादास्पद बयान दिए हैं, जिनका ज्यादातर निशाना या तो भारत या फिर हिंदू कौम ही रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर 2008 के पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित मुंबई आतंकी हमलों के बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खिलाया गया तो पाकिस्तानी पेस बॉलर सुहेल तनवीर ने पाकिस्तान की एक आतंकी देश के रूप में भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए इसकी वजह हिंदू सोच को ठहराया। पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी तो जिहादियों की हद तक के कट्टरपंथी हैं। उन्होंने टीम में रहते हुए अपने साथी हिंदू खिलाड़ी दानिश कानेरिया की नाक में दम कर दिया। आफरीदी न सिर्फ एक गैंग के साथ मिलकर
कानेरिया के साथ टीम के ड्रेसिंग रूम के भीतर अछूतों जैसा व्यवहार करते थे, बल्कि उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का भी दबाव बनाते थे। विराट कोहली की सस्ती कार्बन कॉपी और फ्लॉप पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद श्रीलंका से मैच हारने के बाद मैदान पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में मशगूल थे। उन्होंने पेविलियन वापस लौटते हुए दिलशान तिलक रत्ने को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा न करने पर वो दोजख यानी नर्क की आग में जलेंगे। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो अहमद शहजाद ने पीसीबी को पूरी अकड़ से ये भी कह डाला कि यह उनकी और दिलशान तिलक रत्ने के बीच दोस्ताना बातचीत थी। आज जब जियोपॉलिटिक्स के मामलों में भारत के सामने पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों के कारण बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है और बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में क्रिकेट में भारत के खिलाफ मिलने वाली एकाद जीत में ही पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी मर्यादा भूलकर अपना हिंदू विरोधी चेहरा सबके सामने जाहिर कर देते हैं। जैसे कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान के भूतपूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस जोश में यह कह बैठे कि हिंदू खिलाड़ियों के सामने पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नमाज पढ़ना उनके लिए सबसे स्पेशल था। किसी मुसलमान का हिंदू के सामने नमाज पढ़ना और क्रिकेट को आपस में लिंक कर देना किसी पाकिस्तानी के बस का ही काम हो सकता है। आज भी तबलीगी जमात से जुड़े रिटायर हो चुके पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने यूट्यूब चैनल्स में अक्सर यही बातें करते रहते हैं कि किस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने का निमंत्रण दिया था या फिर किस तरह सिर्फ मुसलमान कौम ही जन्नत में जाने के लायक है। ऐसे में जब पाकिस्तान के सिरफिरे पॉलिटिशियन शेख रशीद के इस हिंदूफोबिक बयान पर गौर किया जाए कि क्रिकेट में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत इस्लाम की जीत है, तो शायद कई ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी होंगे जो इस विवादास्पद बयान का पुरजोर समर्थन करते होंगे। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।